नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अपनी नियुक्ति के बाद लगातार प्रदेश के हर जिले में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश अध्यक्ष फरीदाबाद पहुंचे, जहां दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सभा स्थल पर पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा तमाम विधायकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और फरीदाबाद की सरदारी ने जो ये मुझे सम्मान की पगड़ी दी है, ये सम्मान ये आप लाखों कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान को मैं आप सबके आशीर्वाद से बढ़ाने का काम करूंगा। दिन रात जो पार्टी ने आदरणीय कृष्ण पाल जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो विचार जो सोच करके ये जिम्मेवारी दी है, आप सबके आशीर्वाद से उसके ऊपर 100% खरा उतरूंगा। हमारी दोनों सरकारों देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जबरदस्त कार्य किए हैं। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधान सेवक के रूप में जब जिम्मेवारी को संभाला, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। आज मुझे ये बड़ी खुशी है, मैं ये देखता हूं क्या दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार ढूंढ करके गरीब व्यक्ति को उस योजना के साथ जोड़ करके गरीब व्यक्ति का सम्मान ऊंचा करने का काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार। वही अभूतपूर्व स्वागत देखकर गदगद हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन पर विश्वास करते हुए जो जिम्मेदारी दी है वो उसे निष्ठा के साथ निभाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।